गोकुलधाम की माधवी भाभी खरीद रही है मिठाई, छोटी दिवाली पर कर रही है दिवाली की छोटी छोटी शॉपिंग। भाई आ गया है दिवाली का त्योहार, सज गए हैं बाजार और सज गई है मिठाइयों की दुकानें भी, लेकिन इस दिवाली कौन सी मिठाई खाई जाए, बर्फी या फिर रसगुल्ला, डाइट बर्फी या फिर लड्डू, इस बार दोस्तों को क्या गिफ्ट दें, इस बार दिवाली पर सबका मुंह मीठा कैसे करें, भाई ये सब सीखना है तो सीखिए हमारी तारक मेहता के उल्टा चश्मा की माधवी भाभी से। गोकुलधाम की मिसेस भिड़े यानी सोनालिका रियल लाइफ में भी कुशल गृहिणी है और इस बार दिवाली की मिठाई देखिए कैसे चक्कर मिठाई का स्वाद उठा रही है और त्योहार के पूरे मजे लूट रही है। भाई इन्हें साथ मिला है सास बहू और बेटिया का, इसलिए पहुंच गई है मुंबई की मशहूर मिठाई की शॉप मुरलीधर स्वीट्स में, जो उनकी फेवरेट शॉप है और इस बार दिवाली की मिठाइयों की शॉपिंग ये इसी शॉप से करने वाली है। और जब सास बहू और बेटिया मुरलीधर स्वीट्स पर पहुंचा तो माधवी भाभी की मिठाई शॉपिंग ऑलरेडी शुरू हो गई थी। क्या बात है भाभी जी, क्या खरीद रही हैं? बताइए आज कैसे वक्त मिला आपको मिठाई शॉपिंग का? नहीं, स्पेशली वक्त निकाला है मैंने, शूट से भाग भाग के आई हूँ यहाँ पे क्योंकि ये मेरा फेवरेट शॉप है मुरलीधर, आपने नाम तो सुना ही होगा। वहाँ उनका इस बार ये देखिए, ये एसोटेड मिठाई है इनकी ड्राई फ्रूट्स वाली, और मैं हमेशा इनसे बहुत अलग अलग चीज़ें, मतलब इनके पास बहुत सारी वैरायटी, मतलब क्या खाए क्या नहीं ऐसा हो जाता है मेरे लिए। अब ये पूरे श्रीखंड की पूरी वैरायटी दिख रही है आपको, या रोज़ पेटल्स वगैरह दिख रहा है, ये पूरे अलग अलग वैरायटी मैंगो है, फिर वहाँ हम लोग देखेंगे केक्स हैं, ये देखिए, मतलब अगर कोई मिठाई खाने का शौकीन हो उसके लिए भी कन्फ्यूजन है कि क्या खाए क्या लूँ, ये अंगूर बासुंदी तो मेरी सबसे फेवरेट है। ये देखिए, ये अलग अलग रंगीन मिठाई है, बहुत टेस्टी होती है ये, ऑलमोस्ट इसमें से मैं सब टेस्ट कर चुकी हूँ, सब ऑर्डर कर चुकी हूँ। ये देखिए आप, ये अलग ही है, चेरी भोग करके एक मिठाई है, उसका अलग ही एक लुक है। ये देखिए, ये पूरा स्टफ है यहाँ पे, जो कि जिनको स्पाइसी पसंद है, खट्टा पसंद है, तो स्पाइसी पसंद है, उन लोगों के लिए काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। और अब ये मिठाई जो है, सॉरी मैं खाऊंगी, मतलब आपको भी खिलाऊंगी, वैसे कैसी है? माय फेवरेट। ऐसे अलग अलग, एक्चुअली ऐसा लगता है पेट क्यों ज़्यादा क्यों नहीं क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा खा सकते हैं, इतना सब इतनी सारी वैरायटी है हमारे लिए। ये देखिए, गुलाब की एक्चुअल पंखुड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पे, और ये खजूर है जिसकी बहुत बढ़िया टेस्ट है, हेल्दी भी है, ड्राई फ्रूट्स हमेशा खाए तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाने से अच्छा कि मिठाई के साथ खाए खजूर, और उसका मीठापन आता है उसमें। मैं आपको मिलवाती हूँ किंजल भाई से। नमस्ते। किंजल भाई है जो कि इस बड़े मिठाई के जो इतना बड़ा शॉप है उनके ओनर हैं। थैंक यू। प्लीज़ आप हमें बताइए, मैंने तो बोल दिया है एज अ कस्टमर कि बहुत बढ़िया, जो मेरा फेवरेट है वो मैंने दिखा दिया है जी। आप भी अपने शॉप के बारे में प्लीज़ बताइए। ये जो आपने अभी मिठाई टेस्ट कर रहे हो, ये सारी शुगर फ्री मिठाई है। हाँ। ये मिक्स नेचुरल वैरायटी की सारी मिठाइयाँ हैं जिसमें शुगर बिल्कुल नहीं होती है। आजकल लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि लोग एक पीस खाने से भी डरते हैं, और मेरे पास ऐसी मिठाइयाँ भी हैं जिसमें हम लोग शुगर डालते हैं लेकिन फार्मा ग्रेड शुगर डालते हैं। सो फार्मा ग्रेड शुगर उसमें सल्फर नहीं होता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो सारी मिठाइयाँ हैं, ये दिस इज़ विथ फार्मा ग्रेड शुगर, और लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं ये इनिशिएटिव को, और लोग मज़े से खाते हैं और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली ये बहुत टेम्पटिंग लग रही है, इतना डिज़ाइन है, इतना सुंदर है ये जी। एक जो पीस बनता है उसके पीछे 7 आदमी लोग लगते हैं, तभी जाके वो एक पीस बनता है। सो इट टेक्स वेरी वेरी टाइम। गुड नाइस। आप बात कीजिए, मैं तो सुना आपने, इतनी खूबसूरत दिखने वाली एक एक मिठाई को बनाने में 7 लोग लगते हैं। मेहनत का फल जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ये है जो मैं खा रही हूँ, तो आपने सुना कि कितनी मेहनत है इसके पीछे, तो ये बहुत बढ़िया बात है। ये सब पूरा स्टाफ है इनका जो कि बहुत, ये देखो इतने, ये खिलाने में ये हमेशा मुझे, जब मैं आती हूँ
तब ये ऐसे सब डिशेस आगे करते हैं, अलग अलग वैरायटी दिखाते हैं मुझे। ये देखिए, ये मतलब देखने के बाद जो होता है ना, कि जो मतलब ये नहीं, मैं खा के ही बताती हूँ आपको। माइंड ब्लोइंग, ये जो अंदर जा रहा है और ये जो फीलिंग मुझे दे रहा है ना खुशी का, बहुत बढ़िया। क्या क्या इसमें होता क्या है किंजल भाई? ये प्योर मिल्क का बनता है और इसमें ओरिजिनल रोज पेटल्स है। क्या स्वाद है, क्या स्वाद। वैसे इन स्वादिष्ट मिठाइयों को बनाने में जितनी मेहनत लगती है, इसकी सजावट में उससे भी ज्यादा मेहनत लगती है। प्रेजेंटेशन का जमाना है तो खूबसूरत तो दिखना ही पड़ता है इन मिठाइयों को। नहीं, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि डेकोरेशन, ये जो भी पूरा ऊपर से उन्होंने मस्त रोज पेटल्स के दिख रहे हैं आपको, यहाँ मस्त सजाया हुआ है, ये बहुत जरूरी होता है गार्निशिंग। अगर नॉर्मल ये केशरी पेड़ा है, जो नॉर्मल अगर आप कोई भी छोटा सा इवेंट हो घर पे, भगवान को प्रसाद चढ़ाना हो, तो भी आप दिखा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। रोज पेटल का दीजिए, आपने देखा यहाँ रोज पेटल का है, यहाँ पाइनएप्पल का श्रीखंड आप कभी आपने टेस्ट नहीं किया होगा। लीजिए, ये एक बार टेस्ट कीजिए आप। आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ भी अंदर जो एक फील करवाती है नेचुरल, और आप पाइनएप्पल का श्रीखंड भी हम लोग टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा देना मुझे, बिल्कुल टेस्ट करें। पाइनएप्पल श्रीखंड, और जामुन श्रीखंड भी है यहाँ पे, वो भी हम लोग टेस्ट करेंगे। ये तो बनता है, अलग है, जामुन का कभी मिलता नहीं है। हाँ, तो ये जामुन श्रीखंड है। क्या बात है, श्रीखंड की इतनी सारी वैरायटी भाई हमने तो पहले नहीं देखी। ये है गुलाब जामुन, जो बहुत बड़ा भी है और मस्त पैकी टेस्ट है इसका, जो मैं हमेशा ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को गुलाब जामुन बहुत ही पसंद है। तो अभी मैं उसके बिना खा रही हूँ, लेकिन इसी के लिए कि टेस्ट अच्छी है, तो मैं मेरे लिए 2 किलो ऑर्डर है मेरे, पैक कर देना प्लीज़। माइंड ब्लोइंग। ये गुलाब जामुन टेस्ट करते हुए सोनालिका का चेहरा भी गुलाब जामुन के जैसा ही लग रहा है। भाई ये मिठाई टेस्ट करते हुए उनके चेहरे की खुशी देखते बनती है, और सिर्फ गुलाब जामुन ही क्यों, यहाँ की हर मिठाई खाकर सोनालिका को तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का सुख मिल गया। अगर बंगाली स्वीट में आपको रसगुल्ले पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं, इतना बड़ा साइज है उसका। और ये क्या है, मटका कुल्फी, रबड़ी है, मटके में जो रबड़ी है, ये जो मटके में आपको रबड़ी दिखाई दे रही है, किसी का मन नहीं ललचेगा यार, सुपर। ये ड्राई फ्रूट्स अलग अलग है, मसाले वाले हैं, सॉल्टेड रखे हुए हैं, यहाँ पिस्ते रखे हुए हैं। तो भाई सोनालिका ने तो आपको इतनी सारी अलग अलग मिठाइयाँ दिखाई, उनके बारे में बताया और टेस्ट भी कराया। खैर, अगर आप रियल में टेस्ट करना चाहते हैं तब तो आपको शॉप में जाना पड़ेगा। इस बड़े से बैग में ढेर सारी मिठाइयाँ पैक कराकर सोनालिका अब बाय बाय कहकर जा रही हैं वापस अपने सेट पर, क्योंकि उन्हें बनना है माधवी और करनी है अपनी शूटिंग पूरी। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो बाय सिया, मैं जा रही हूँ शूट में वापस माधवी बनने के लिए, और एंजॉय गाइस, आना मिठाई लेने के लिए, मेरी तो शॉपिंग हो चुकी है, अब मैं भाग रही हूँ।